अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त किया। सन 1968 से लेकर के जिस मांग को लेकर के हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के लोग मांग कर रहे थे, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो 14 सितंबर 2022 को दिल्ली में संपन्न हुई, उसमें मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। ये ऐतिहासिक निर्णय है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो है वो इस प्रकार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आज तक भी लिए गए हैं। उसी कड़ी में हाटी समुदाय की मांग को पूरा करना जो है वो वास्तव में जो है वो एक अन्याय जो इस क्षेत्र के इस समुदाय के लोगों के साथ किया गया था, उस अन्याय को जो है वो समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण न्याय जो है वो किया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो SMC पॉलिसी है, स्कूल मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें भी परिवर्तन किया है। पॉलिसी की क्लॉज 10 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है और क्लॉज 9 में जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रोविजन जो है उसमें जोड़ा गया है। और मंत्रिमंडल ने जो है उनकी जो नौकरियां हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसे सुरक्षित रखने की दिशा में जो है वो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ उनको जो है वो जो बाकी एम्प्लॉयज का होता है 1 कैजुअली पर मंथ, वो उनको छुट्टियां भी मंजूर की गई हैं और साथ ही साथ जो है वो मैटरनिटी लीव जो बाकी एम्प्लॉयज को दी जाती है उसे भी मंजूरी प्रदान की है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से जहां हिमाचल प्रदेश के हार्ड और ट्राइबल एरियाज में विशेष रूप से काम करने वाले हमारे SMC के अध्यापक हैं, उनको लाभ ही नहीं होगा वरन सुरक्षा भी उनको जो है प्राप्त होगी और आगे जो है वो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस बात की ओर जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम जो है आज प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। मंत्रिमंडल ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी की थी,
जो पंचायत चौकीदार हैं, जिनकी 12 वर्ष की जो है वो काम करते हुए, पार्ट टाइम काम करते हुए नौकरी हो गई है, उनकी सेवाओं को डेली वेजिस में तब्दील करने का निर्णय लिया है, जो आगे रेगुलराइजेशन की दिशा में बढ़ने का जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पूरे प्रदेश के 12 के 12 जिलों में पुस्तकालय जो हैं वो वहाँ पर जो जिला पुस्तकालय हैं वो भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय के नाम से जो है वो जाने जाएंगे और उनका नामकरण होगा। मंत्रिमंडल ने जो टेम्परेरी पुलिस पोस्ट है भरोल मंडी जिला में, उसे पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है 8 पदों के साथ। मंडी जिला के ही पंडोह में पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाया गया है, इसमें भी 8 पद सृजित किए गए हैं। और शिमला जिला के सुन्नी में होगा। इसी प्रकार से राम शहर सोलन जिला में, वहां पर नया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस 14 नए पदों के साथ जो है वो खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो मंजूर किया है, जो मैसर्स साइडर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जो लिखावटी नेरवा तहसील चौपार के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो है वो फ्रूट के आधार पर वन चलने वाली वाइनरी को स्थापित करने के लिए जो है वो ये LOI जो है वो जारी किया गया है। इसी प्रकार से सरकार ने मैसर्स हिमाचल नेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नंबर 2 प्लॉट नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया बनोलगी तहसील कसौली जिला कुल्लू में इसी तरह की जो है फ्रूट बेस्ड वाइनरी का जो है वो प्लांट चलाने के लिए जो है वो LOI जो है वो इशू किया है। मंत्रिमंडल ने भटियोता जो ग्राम पंचायत चांजू में है, एजुकेशन ब्लॉक कलेल है, फिर बुरीला एजुकेशन ब्लॉक कलेल में ही, और प्राइमरी स्कूल खंडेसर का ये ग्राम पंचायत कुठेर में है, जो ब्लॉक जो है कियानी में है, चुरा असेंबली में पढ़ते हैं ये, उनको जो है वो नए प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय यहाँ पर लिया है।
इसी प्रकार से जो है वो कुल्लू जिला के कांडी में भी नया प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो कुछ पुराने जो है वो प्राइमरी स्कूल हैं जो सनोग में है, फिर एक बेहला में है जो पांवटा साहिब जो है स्टोन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, उनको जो है वो फिर से खोलने का निर्णय लिया है। कि पहले थे स्कूल लेकिन बंद कर दिए गए थे, अब जो है दोबारा से नया प्राइमरी स्कूल भलियारी में जो है वो खोला जाएगा। इसी प्रकार से बंजार में जो है वो सरोट में नया जो है वो प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, ये कुल्लू ज़िला में। इसी प्रकार से गुहाबद्दी एजुकेशन ब्लॉक शिलाई में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। वेटरनरी डिस्पेंसरी सुलियाली और वेटरनरी डिस्पेंसरी खेरिया जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो खोलने का निर्णय लिया गया है, और इसके लिए जितने पदों की आवश्यकता है उनका भी सृजन करने का निर्णय लिया है। तो पहाड़ा जो बिलासपुर जिला में आता है वहां पर नया पीडब्ल्यूडी का उपमंडल सब डिवीजन जो है वो खोला जाएगा, और कपहाड़ा में है नया सेक्शन खोला जाएगा पीडब्ल्यूडी का कपहाड़ा में, और जितने पद चाहिए इसके लिए वो इसमें सृजित किए जाएंगे। और इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने बगेड़ जो घुमारवीं सब डिवीजन के अंतर्गत आता है वहां पर भी पीडब्ल्यूडी का सेक्शन खोलने को निर्णय लिया है। पद्धर और धर्मपुर जो मंडी जिला में है वहां पर सिविल जज के दो कोर्ट्स खोलने का निर्णय लिया गया है। जस्ट टू कम्बैट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस अवेयरनेस जनरेशन आइडेंटिफिकेशन काउंसलिंग ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन जो ड्रग एडिक्ट की है उसके लिए जो है ये फंड का जो है वो क्रिएशन की गई है, जो इस प्रकार के जो है वो रिहैबिलिटेशन जो है ड्रग एडिक्ट के वो गवर्नमेंट या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो होते हैं उसके लिए एक ऐसा फंड जो है वो प्रदेश में क्रिएट करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में उनके कार्यालयों में 10 पद सुपरिंटेंडेंट्स ग्रेड 1 के खोलने का निर्णय लिया है। 10 पद जो हैं भरे जाएंगे। सोलन जिले के सुबाटू में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे सीएचसी में जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, 2 पद जो है सृजित किए जा रहे हैं। हमीरपुर के क्रहा नामक स्थान पर जो है वो नया सब हेल्थ सेंटर खोला जाएगा जिसके पद भी सृजित किए गए हैं। हमीरपुर जिला में ही भरेरी में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है वो अपग्रेड किया जाएगा जिसके लिए रिक्विजिट पोस्ट भी क्रिएट की गई हैं। सोलन जिला के ग्राम पंचायत जदैली में जो है नया हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। शिमला जिला के
मतियाना नामक स्थान पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे 30 बिस्तरों वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए 10 पद अलग अलग कैटेगरी के जो हैं वो भी सृजित करने का निर्णय लिया गया है। फिर जो सिविल हॉस्पिटल ठियोग है वहाँ पर अभी तक बेड कैपेसिटी केवल 150 है, जिसे बढ़ाकर के 200 कर दिया गया है और इसके लिए पद भी सृजित किए गए हैं। इसी प्रकार से नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर थथाल जंगल जो जिला बिलासपुर में है वहां पर खोला जाएगा। टिक्कर जो है सब तहसील पंचरुखी में कांगड़ा जिला में वहाँ नया हेल्थ सब सेंटर खोला जाएगा। मंडी जिला के बाड़ी चौकी में नया जो है वो हेल्थ का ब्लॉक खोला जाएगा, इसके लिए 6 पद जो है सृजित किए गए हैं। कांगड़ा जिला के नूरपुर में नया जो गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया है उसे मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 5 करोड़ रुपया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो इनिशियली रखा गया है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में जो है वो पंजाला गांव है उसमें नया अटल आदर्श विद्यालय जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज चंबा में जो निजी क्षेत्र में चलता था उसे टेक ओवर करके गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज चंबा में जो है वो परिवर्तित किया है, जिसके लिए पदों का भी सृजन जो है वो किया गया है। रामपुर तहसील के अंतर्गत डंडसा और खोली घाट में जो है वो वेटरनरी हॉस्पिटल्स जो है वो खोलने का जो है वो निर्णय लिया गया है, जिसमें 3-3 पद दोनों स्थानों पर जो है सृजित किए हैं। बिलासपुर जिला में सब तहसील कलौल के अंतर्गत जो है वो मालरौन नाम स्थान पर जो है नया पटवार सर्कल खोला जाएगा और इसी प्रकार जो है वो किन्नौर जिला के कटगांव में नया कानूगो सर्कल खोला जाएगा। बड़ा गांव जो कुमारसंत तहसील में है वहां पर नई सब तहसील जो है वो खोलने का निर्णय लिया गया है बड़ा गांव शिमला जिला में, जिसके लिए 12 पद जो है वो सृजित में किए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थुमाग जो मंडी जिला में है वहां पर जो है बेड कैपेसिटी जो है वो बढ़ा करके 50 कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटीज देने के लिए हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों मनाली, पालमपुर, बिलासपुर, नाहन और कसोग में जो है वो एक प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी प्रदान की है, जिसकी फंडिंग जो है वो
एफडी के थ्रू होगी, एजेंसी फिन केस डी डेवलपमेंट एंड ऑथराइजेशन ऑफ, और इसके साइन करने के जो है वो अथॉरिटी जल शक्ति विभाग को दी है। बीच में मैं अपनी एक भूल गया था, समर हिल में जो है वो हेल्थ सब सेंटर है अभी, उसको जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, और उसके लिए 3 पद डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो भी सृजित किए गए हैं। मिडिल स्कूल सूरजपुर को जो है वो शहीद शेर सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सूरजपुर के नाम से जाना जाएगा, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भेड़ेवाला को जो है शहीद बलबीर सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भेड़ेवाला के नाम से जाने का, ये दोनों सिरमौर जिला में है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कुडलकदक को शहीद श्री प्रशांत ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाएगा, ये भी सिरमौर जिला में है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स देवका नालका और कोडेवाला जो नाहन असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आते हैं सिरमौर जिला में, उन्हें हाई स्कूल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 21 पद सृजित किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल धनाग, इसको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंजाला को गवर्नमेंट हाई स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है जो बैजनाथ असेंबली कंस्टिट्यूंसी में है, इसके लिए रिक्विजिट जो पद हैं वो भी भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के पद को जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है वो तब्दील किया है, और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसको जो है वो मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स जो है इनको जो है वो बंद करके इलेक्ट्रिशियन के पद के ट्रेड जो है वो शुरू किया है, मंजूरी प्रदान की है। ये ITI कोटी पढ़ोग जो तहसील राजगढ़ के अंतर्गत है, क्योंकि इन विषयों के वहाँ पर छात्र जो है वो दाखिल ही नहीं हो रहे थे, इसलिए ट्रेड्स जो है वहाँ पर बदले गए हैं। आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। सर, एक जो SMC वाला बोर्ड आपने जिसमें नियम चेंज हुए, इनको एक तो लाभ आपने बता दिए यही मांग कर रहे थे, ये उसमें जो है मांग उनकी जो है एक तो 10 क्लॉज 10 को हटाना था, वो हटा दी है। क्लॉज 9 जो है वो क्योंकि कोर्ट केसेस चल रहे हैं इसलिए पूरी तरह से हटाना नहीं है उसमें, तो लेकिन उसमें प्रोविजन कर दिया है जिसके कारण जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको भी ऐड कर तो ध्यान में रखते हुए, इसलिए इनकी कंटिन्यूटी चली रहेगी, वहाँ पर कोई दूसरा आदमी भरे नहीं जाएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आगे की चलेगी। वो तो कैबिनेट सब कमेटी है, वो मिल रही है।
करेंगे।